उत्तर प्रदेश विधानसभा लखनऊ के लोक भवन ऑडिटोरियम में तनाव मुक्त जीवन संकल्प एवं साधना से सिद्धि विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में दिल्ली गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किए गए। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अपनी ही चुनौतीपूर्ण जीवन कहानी से की और साथ ही अपने अंदर की शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत करने की बात कही। दोस्तों, कैसा लगेगा आपको सुनकर कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है उसका राइट साइड ऑफ ब्रेन नहीं है, ऑपरेट हो चुका है। दोस्तों, कैसा लगेगा आपको सुनकर कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो ऑलमोस्ट 80% अपनी हियरिंग को खो चुका है, आज भी डिवाइसेस को यूज करता है, पिछले 15 सालों से सुनने में बहुत दिक्कत है। दोस्तों, कैसा लगेगा आपको सुनकर यदि आपको ये पता लगे कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है उसके स्पाइन के अंदर 4 स्क्रूज ग्रिल है, उसकी मेजर स्पाइनल सर्जरी हो चुकी है, उसको आज भी खड़े होने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी दिनचर्या को 3:30 बजे आराम करता है, रात को 11:30 बजे तक चलाता है, कर्मठता से काम करता है। दोस्तों, ये योग ये किसी व्यक्ति के लिए प्रॉपर्टी जागीर नहीं है दोस्तों, ये हम सबके अंदर असाध्य को साध्य करने की, असंभव को संभव करने की जो शक्ति है दोस्तों, उस शक्ति को जागृत करने के लिए आज मैं आपके पास दोस्तों। आगे उन्होंने कहा कि जीवन की सबसे सस्ती चीज है सलाह, जो एक मांगने पर 100 मिल जाती है, और सबसे महंगी चीज है सहयोग, जो 1000 मांगने पर एक भी मुश्किल से मिलता है। जीवन की सबसे सस्ती चीज सलाह, एक मांगो तो 1000 मिल जाती है, लेकिन सबसे महंगी चीज सहयोग है, क्योंकि 1000 मांगो तो एक भी नहीं मिलती। तो दोस्तों, आज के संसार को श्रेष्ठ बनाना है, जीवन को श्रेष्ठ बनाना है दोस्तों, तो सलाह नहीं देना है हमें एक दूसरे को दोस्तों, सहयोग देना है, भारत वर्ष का दोस्तों गौरवमय इतिहास। डॉक्टर मोहित गुप्ता ने कहा कि हमारे संकल्प हमारे मन में नहीं रहते, मगर हमारे जीवन के हर पहलू पर असर डालते हैं और जिससे कई चीजें परिवर्तन हो सकती हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारे विचार हमारे शरीर पर, हमारी जीन्स पर असर डालते हैं, हमारे संबंधों पर असर डालते हैं, हमारे रिलेशंस पर असर डालते हैं, और हमारी प्रकृति, हमारे भोजन, हमारे एनवायरमेंट। तो दोस्तों, यदि तनाव मुक्त जीवन यदि हमको चाहिए दोस्तों, तो संकल्प परिवर्तन बहुत आवश्यक है। जब संकल्प परिवर्तित होता है दोस्तों, तो हमारी दृष्टि परिवर्तित होती है, जब दृष्टि परिवर्तित होती है तो हमारी वृत्ति, हमारी कृति परिवर्तित होती है, जब हमारी कृति परिवर्तित होती है तो हमारी संस्कृति परिवर्तित होती है, और संस्कृति परिवर्तन के द्वारा दोस्तों हमारी सृष्टि भी परिवर्तित हो जाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि तनाव फील करने का कारण क्या है। आज जिस तनाव की आप बात करते हैं दोस्तों, ये केवल हमारा भ्रम है। तनाव शब्द मेरे जीवन में एग्जिस्ट ही नहीं करता दोस्तों, क्योंकि जहां मेरा पैशन है, जहां मेरा पर्पस है, वहां मुझे प्रेशर कभी भी फील नहीं हो सकता दोस्तों। आज तनाव फील करने का जीवन में एक ही कारण है कि हम अपने कार्य को पैशन से नहीं करते, हम अपने कार्य को प्यार से नहीं करते और खुशी से नहीं करते, इसलिए मैं हर कार्य में प्रेशर। अंत में उन्होंने सभी के साथ उनकी सक्सेस स्टोरी शेयर की कि कैसे उन्होंने विल पावर और पॉजिटिविटी से पूरे देश में नंबर 1 रैंक हासिल की, क्योंकि पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। 2001 की बात है, 14 जुलाई की बात थी दोस्तों, मैं अमेरिका से वापस आया था, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पढ़ रहा था, छोड़ छाड़ के आया, क्योंकि जीवन में 2 ही एम थे, एक तो दिल्ली में रहना, इंडिया में अपने माता पिता के साथ, और दूसरा मुझे कार्डियोलॉजी करनी है, 2 पैशन दोस्तों। जब मैं आया तो हमारे इंस्टीट्यूट में 5 सीटें उस टाइम पे होती थी, और पहले अटेम्प्ट में मुश्किल मिलता था हमारे इंस्टीट्यूट में, मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर्स एग्जाम दे रहे थे, तो सबने बोला कि दे लो, लेकिन एक अटेम्प्ट में होना मुश्किल है। मैंने मम्मी को बोला कि मैंने कभी देखो एक अटेम्प्ट दूंगा और सिर्फ दिल्ली का एग्जाम दूंगा, हो गया तो ठीक है, नहीं तो मेडिसिन प्रैक्टिस करूंगा। उन्होंने मुझे बुलाया, इधर आओ। मैंने कहा क्या हुआ मम्मी? उन्होंने कहा सीटें कितनी है बेटा? मैंने कहा 5। उन्होंने कहा तुम्हें कितनी चाहिए? मैं उनकी शक्ल देखने लगा, मैंने कहा मुझे तो 1 चाहिए। उन्होंने कहा 4 को हटाओ, 1 पर फोकस करो, बस और कुछ मत करो। दोस्तों, मैं अपने कमरे में गया, छोटा सा रूम था, वहां मैंने सामने लिख लिया ये 1 सीट मेरे लिए है, सामने चिपका दिया, ये 1 सीट मेरे लिए। दोस्तों, दुनिया वाले बोलते रहे शट ऑफ किया, अपने माइंड को स्विच ऑफ कर दिया,
और 19 जुलाई 2001 से लेकर 9 फरवरी 2002 सैटरडे के दिन मेरा एग्जाम था। आज भी मुझे ध्यान है 9:30 से 12:30 मैं पढ़ता रहा, 6 महीने लगातार पढ़ता रहा, काम करता था पढ़ता था, काम भी करता था पढ़ता था। 15 दिन अपने रिजल्ट की वेट करता रहा दोस्तों। 15 दिन बाद रिजल्ट आया, मेरा कंट्री के अंदर फर्स्ट रैंक था और मेरा परसेंटाइल था 95% दोस्तों, और जो सेकंड रैंक था वो 78, 77, 76 और 75% दोस्तों। क्यों? क्योंकि उन 6 महीनों के अंदर व्हेन यू ग्लू योर इंटेंशन विद इमेजिनेशन, जब अपने विचारों को अपनी इंटेंशन के साथ चिपका देते हैं और अपने मन के बाहर लिख देते हैं डू नॉट डिस्टर्ब, दोस्तों दुनिया की कोई भी शक्ति आपसे आपकी सफलता को नहीं छीन सकती, वो सफलता आपके पास आकर ही रहेगी। और दोस्तों 6 महीने मैंने अपनी लाइफ में इसी प्रकार से काम किया, अपनी सक्सेस को अट्रैक्ट किया। मैं ऑलरेडी अपने आप को कार्डियोलॉजिस्ट मान चुका था, उसी प्रकार से अपनी जिंदगी को जी रहा था, मुझे लोगों की बातें दोस्तों सुनाई ही नहीं देती। दोस्तों ये शक्ति हमारे पास है। आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा दोस्तों, नोट करिए इस बात को कि जिंदगी में जैसा आप अपने लाइफ को देखना चाहते हैं, सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट अपने मन अपनी बुद्धि में क्रिएट करें। इस कार्यक्रम में यूपी विधानसभा के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और लखनऊ गोमती नगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बी के राधा भी उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों सहित लगभग 1000 लोगों ने भाग लिया।